बड़े मन प्रणाम जी छोटे भाई बहनी वाला बहुत सारा प्यार जब संगवारी मतलब आप मतलब मकर संक्रांति के बहुत बहुत गाढ़ा गाढ़ा बधाई है। और कौन कौन संगवारी यहाँ लड्डू बने हुए ऐसे तो सब संगवारी यहाँ लड्डू बने थे काकी से अपना बहुत ही ज्यादा पसंद था तिल के लड्डू और मुर्रा के लड्डू पर लेकिन आज और लड्डू नहीं बना हुआ था तो हमारे यहाँ रेडीमेड लड्डू खाते संगवारी हो काफी टाइम नहीं मिला तो संगवारी हो देखो एला देख के आप मतलब समझ आ गए ये हरे पालक सब्जी अरे प्याज काटा थे मतलब का बनने वाला है का बनने वाला है एला संगवारी मन गेस्ट करी लेकिन हाँ वही गैस गैस सॉरी सॉरी गैस लेकिन हाँ उसने गेस्ट गेस्ट जो भी रहा यार हाँ उसने वाले कर ली लेकिन होगा से पहले हमन बता दे संगवारी हो का हो सकते बताओ आओ एक और चीज देखा था करेक्ट हो और चीज आप पक्का समझ आ जाइए आप मतलब ये देखो ये हरे बेसन के घोल तब मतलब समझ आ गया आप मतलब का बनने वाले सुबह के नाश्ता में तब मकर संक्रांति के दिन में हमारे यहाँ बनने वाला है भजिया के सब्जी भजिया सब्जी नहीं भजिया 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 बस भजिया सब्जी अब बनी तब नहीं खा सकते इतना हाँ। बाबू करना बोल आओ आओ बोल मतलब मकर संक्रांति के जम्मू संगवारी मतलब बधाई है बोले बाबू तो संगवारी सुबह के गुड मॉर्निंग और मोरो तरफ से मकर संक्रांति के गाढ़ा गाढ़ा बधाई आप मतलब जम्मू संगवारी मतलब है ना। और ये देखो सुबह सुबह अपन नाश्ता पानी के तैयारी में लगे हुए हैं बोलते वीडियो की शुरुआत करूं करके मैं बोले यही जगह से कर और ये देखो कैसे प्याज ना काटा जाता तो रोवाते हैं अब बड़े झाड़ रहे थे जी ये देखो कैसे रोवाते ये तकलीफ लो कौन समझ सकते बता तो तकलीफ लो नहीं बस समझ सकता हूं भाई हां तो ऐसा काम नहीं करो मैं अगली समझ सकता करके लेन काट दे बोला थे वाह। तो चलो संगवारी हो सुबह सुबह स्नान कर लिया जाए फिर आज पतंग भी उड़ाओ संगवारी आज बहुत मजा आने वाला है। आज मकर संक्रांति कैसे मनाथन मतलब अलवा जलो मनाथन लेकिन देखो आप मन वीडियो में बने रहो बस आज अरे मकर संक्रांति तो पति देव पतंग उड़ाऊ करके ता है संगवारी हो पर पतंग लड़बू लड़बड़ करा थे उड़ात नहीं है का जी मोर नाक लो बने बने रख दीजिए मोर नाक लो मत कटवा अच्छा चल उड़ा आखिरकार पतंग उड़ीज के मोर पति देव छे अरे तरफ देखो हमारे बाबू है तैयार फुल्ली फाना रेडी हो चुके हैं भूत भूत बन गए हैं ये देखो भूत तो अभी ये पाउडर लगा है लेकिन मिठाई संगवारी हो ऐसे नहीं कि ऐसी नहीं रख दे ये देखो मिठावट भी है एक काजल हम मत लिख ले करके लगा था ना मेला तो काजल के ऊपर में पाउडर लगा देते तो फिर वो निकले नहीं लंबा टाइम तक चलते और देखो हमारे बेटू मस्त तैयार हो गए सुबह सुबह हैप्पी मकर संक्रांति बोल दे हैप्पी मकर संक्रांति संगवारी हो बाबू की तरफ से बाबू की दादी की तरफ से तो हमार मम्मी है भी बोला से हैप्पी मकर संक्रांति संगवारी हो अब बोल ले बेटा चल हैप्पी मकर संक्रांति संगवारी हो सब जनला तरफ हमारे पापा है दुकान में बैठे आज मकर संक्रांति है तो पापा मकर संक्रांति के संगवारी मतलब बहुत बहुत बधाई संगवारी हो फाइनली देखो गर्मा गर्म भजिया रेडी है अब मैं है खावर रेडी हूँ कैसे अब पति देखे मुंह तैयार है भजिया खावर ताजी ठंडी में मजा ही कुछ अलग है ऐसे बरसात में अभी एक बात बरसात आने वाला है गर्मी आने वाला है ना गर्मी पूजा के तैयारी कर रहे थे ये देखो मकर संक्रांति के तो बधाई देस लड्डू कहाँ देस लड्डू मकर संक्रांति में लड्डू होते थे मकर संक्रांति मैं तो लड्डू दे पर तैयार हूँ लेकिन ते नहाक तैयार हुए तभी तो बिना बिना नहा धो लड्डू खाते का पता प्रसाद हरे भगवान के हाँ तो नहा एक बात तो लड्डू भी मिल जाएगी एक ठो मिल ही एक जन आदमी ला एक ठो सही ना दे भी एक जन का चार ठो खावे हाँ और अच्छा लगते होगा लेकिन ते तो एला खाऊं करके बना था सुना है तोर पसंद कह रहा है तोर पसंद के नाश्ता बनाते हाँ तो कितने दिन में खाएंगे भजिया
आ तो खाना था, खा रहे हूं, वहां खा रहे हूं। कहा थोड़ा खा रहे हैं, 2 पीस बस। कहा वो मीटअप में अच्छा खाना में एक तरफा खाना मना रही से, कवर की नया छोटे से बेबी है ऐसे करके है ना। और बहुत सी चीज अभी भी मना है, लेकिन अभी पहला बार यहाँ भैया खावा थे अभी खाई नहीं हो। लेकिन एक साथ में जो खाता थे नहीं खा सकस। टमाटो कैचअप आप 2 महीना हो, टमाटो कैचअप हाँ 2 महीना हो गए खा सकते। अरे मत खा सच में, अभी अभी हो गड़बड़ मत हो जा कुछ। हल्का फुल्का तो खा सकते ना, टमाटर की चटनी पीस दूंगा। हाँ पीस देवे संगवारी हो। फाइनली हमन बैठे हैं नाश्ता करे बर, ये देखो सुबह सुबह ए वाला तेधर भैया भी छाट के खाओ एक कर तो का बात बातें निराले नहीं खा। हाँ बैठे हो काय करे बर भैया खाए बर खाबो ना ता खाबे अभी खाबो जल्दी खाना ठंडा हो जी। हाँ ना ता तो संगवारी को खाए बाद मिलबो फालतू है उसने बोल दे। नाश्ता करे के बाद में मम्मी और पापा के अभी नाश्ता चला थे, अब मम्मी अभी सब जना लड्डू बांट डाले हैं, पापा के लड्डू वो देरा खाए है अभी। कैसे पापा नाश्ता कर ली पापा और कर बाद में फिर लड्डू खाही पापा। हाँ बेबी जी से बाबू से लड्डू दे मोला है बाबू से लड्डू दे बाबू के पापा खाते हैं। वाह मम्मी खाते वहां दी मम्मी बाबू से दे दे। हां ये ने दो को दो दो ध्यान तने मम्मी साहब ला 3 लड्डू दी से तब बाबू ने दे ला 3 लड्डू तोला खा दे। अरे बाबू के पूरा मुंह में अंदर डाल के खावे में नहीं जाना कला वो बेचारा ना नान चुन तो मुंह में पूरा एक ठा लड्डू फुसार जी हो तो देख ना ऐसे टच करके बिना टच करे नहीं खाना देखे। शाम हो चुके हैं और चाय पानी भी हो गए हैं, पर पति जी के अभी चाय पानी चलत है कैसे तो एक बार सबसे लास्ट हम चाय पानी होते और ती पापा खिला थे बाबूला कुछ दादा पता एकदम बात करते मने इसी से कैसे करे वाला सीखा था पूरी माना करते हो इसे मन करे करते हैं। हाँ बोल दे बाबू पूरी मन के ऐसे रहते अरे ना हाँ बेटो चल तो बात कर दो कारण नींद आवत है तू डेली मार ए नहीं जी आज के तो सोचने चरी ए बाबू चार पांच के घटा के साले कब मुंह करे वाह करिया ले कहां खाऊं भैया मैं सफेद वाले खाऊं तो लिए करिया रखे हूं ता कसम से ये तो सो गए बीचे जागत नहीं से बीचे जागत रही सो फाइट गंदू उड़िया 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 माली सो गए ना तो सोबच करी अब चंदनिया हो गए जान सो अबे तत्काल सो नहीं हम नहीं सो तत्काल सो आप हो ए बाबू हो बोल तो बेटा हो कैसे बोलते हैं हो और सो गए परी हो। फाइनली खाना पीना हो चुके हैं और रात के अभी बजे थे 10:30। बिट्टू हाँ जग चुके हैं अब नींद नहीं आ रहा करके दिन में अच्छा से सो चुके हैं करके कैसे सोना नींद नहीं आ रहा बाप को। हाँ खेलू खेलू करना है भैया ओहो लल्ला नहीं सोएगा बेटा नहीं सोएगा ओ ओ हो रहते बेटू ओ ओ देखो संगारी हो मन बेटा कितने प्यार से गुड नाइट बोलते न बेटा जय जोहार भी बोल दे बेटा नहीं बोलेगा अच्छा मत बोल अच्छा बोलेगा 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 हाँ क्या हुआ ओ ओ ओले ओले भूख लगा बेटा को भूख लगा है सोना पापा कहाँ पापा पापा और देख पापा आ गए पापा चुप नहीं करा रहे क्या बेटू सोना लात मारा लात मारा थे हाथ
हाँ बेटो ये दादा सोना ओ लल्ला ए जी सुनना देख मुपले नारद मुनि देख नारद मुनि ले हाँ वो नारद मुनि बेटा है नारद मुनि बेटा है ले लल्ला मेरा ना सोना रोय रोय कहीं राधा मेला का तो हाँ मैं बोला तो ये रही हूँ कि मैं पहले अलग जो मंगलसूत्र जो पहन ले रहे हैं ना वो टूट गए तो नहीं लूँ हाँ एकदम सही बेटा पापा बिल्कुल सही समझे हैं तब मैं बोला था कैसे है जी ऐसे करे प्यार से कैसे बोला करके हो तो हमने तो हुड़ रहे सम बोल हूं देखते बेटा नारद मुनि क्या बोल रहे मम्मी ये हंसते है वो हंसते देख नहीं हो तो मोर ये वाले जो मंगलसूत्र है ओला पहना रहे तो शादी करे ना हां मोर शादी के हरे हां यहू जाना थे हां बेटा तू भी जान के मम्मा के शादी में हो गया था क्या हां बोल रहे तो चंगारी हो ये हरे मोर शादी के मंगल सूत्र जिला नहीं मतलब बहुत कम पहनते मैं आर्टिफिशियल ज्यादा पहनते पर ओले है टूट गया आर्टिफिशियल जो पहनत रहते हैं तो सोचा तो कि आज एक नवा मंगल सूत्र मोर नवा मंगल सूत्र हरे है कैसे मैं पहना नहीं वाह नहीं पहना नहा कभी तो पहना पहना हो पहना हो यार चंगारी हो कल जो मैं इंस्टाग्राम पर तक एक वीडियो देख रही हूँ कि एक जन वही हाँ बोल थे कि ना सरकार ले भी एक ठो नियम चलाना चाहिए वो का नियम चलाना चाहिए कि पति मल्ला भी एक ठन गला में मंगलसूत्र दे के योजना चलाना चाहिए पहने ना ये हर नहीं वो मंगलसूत्र होते ना जी सोना के चैन पहनना चाहिए सोना के चैन तो हर कोई पहन देते बताओ आप सहमत हो ना लड़का मल्ला ना लड़की मल्ला ना जैसे औरत मला मंगलसूत्र पहनने देते तो लड़का मला सोना के चेन पहनने के नियम रहना चाहिए सही बोला ना एक ऐसा कौन कौन सा हमारा कमेंट करके जरूर बताओ कोई नहीं हो बोल दू कोई नहीं हो बोल दू ठीक है ना जी लेका था रे मरे देख थन पहना थे ए पीछे डाल मैं बांध ले दूं ऐसे कर वो कैसे बांध थे ला ये शर्माता है पगला बिहाव हो गया फिर भी शर्माता है भाई अरे मोबाइल खुल गए मजा आ गई रे मजा आ गई अच्छा नहा था मजा आ गया रे बिना नहा था मजा आ गया अच्छा लगा नहीं पेंसला नहीं तो ये देखो चंगारी हो और 20,000 का घाटा कर देवे का हमारे नवा मंगल सूत्र ला ए ना एका काम थोड़ा है लगता मुझे पता है मैं थोड़ा ना यहाँ तक पहन हूँ ना लेकिन पुराना जमाना में मन ऐसे नहीं पहने हाँ पुराना अभी नया जमाना का रंग रंग के आर्टिफिशियल या नहीं पता रंग रंग के पहनते हैं लेकिन पुराना जमाना वाले हरे है और पुराना जमाना है मन लॉकेट जो है ये है देखो मराठी माला जो आते हैं ना वो वाला हरे है ना ओमा के और ये वाला मैं सोमवारी हूँ मन साली के दिन ये हम पहना रही से वही वाला मंगलसूत्र तो बहुत कम दिन सोमवारी मैंने देखे हुई एला आप मन पहने मैं पहले दो ठो पहना अब एक ठो है ना जी दो ठो वाले भी है लेकिन ये नया रीसेट करके अलग पहना थे मतलब मतलब ज्यादा यूज नहीं हो रही से नया रखा रही से बहुत दिन के बाद लगभग 2-3 साल के बाद पहना था मेला इसे लगा थी ना 4 साल ना शादी हो 4 साल खुद होते हाँ तो कर बात कुछ दिन पहने रहो ना मैं तो संगवारी हो आज के मोर वीडियो ला बस इतने धीरे तक रखा था वीडियो पसंद आ गए हो तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दू तो फिर से मिलबो हम एक नया व्लॉग के साथ मां तब तक के लिए जय जोहार जय छत्तीसगढ़ बाय बाय।